हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक सिक्स सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि आईटी और सीएस ब्रांच के हैं, उनके लिए एडवांस जावा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अजैक्स चैप्टर नंबर 6 के सारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो 100% कन्फर्म है आएंगे ही। और इस अजैक्स चैप्टर से, ये सबसे छोटा चैप्टर है इसमें, और इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं इसमें बताने वाला हूँ। ये मेरी हैंड रिटन नोट्स है, तो आप लोग इसको लिख के यही याद कर सकते हैं आप लोग। तो मैं बिना देरी के शुरू करूँगा, क्योंकि आप लोग लाइक और शेयर तो करते नहीं हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम पहले पढ़ेंगे अजैक्स। अजैक्स क्या होता है, ठीक है। तो अजैक्स का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अजैक्स एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है। तो अजैक्स क्या है? अजैक्स एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है जो सर्वर यानी डेटाबेस से संचार या फिर कम्युनिकेट करता है। अजैक्स इतनी शक्तिशाली भाषा है कि स्क्रिप्ट सर्वर के बजाय क्लाइंट सर्वर पर चलती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अजैक्स क्लाइंट साइड पे नहीं बल्कि स्क्रिप्ट सर्वर पे नहीं बल्कि क्लाइंट सर्वर पर चलती है, ठीक है। और यह डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब आदि वेब एप्लीकेशंस अजैक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अजैक्स में एक पॉइंट है, अजैक्स वेब पेज को सर्वर के साथ बिहाइंड द सीन बहुत कम मात्रा में डेटा का आदान प्रदान करके एसिंक्रोनस रूप से अपडेट करने की अनुमति देता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूरे पेज को फिर से बिना लोड किए वेब पेज के कुछ हिस्सों को अपडेट करना अजैक्स संभव बनाता है, या फिर अजैक्स कहलाता है। देखिए, इसको ज़रूर याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका क्या काम होता है कि पूरे पेज को फिर से बिना लोड किए बस वेब पेज के कुछ हिस्सों को अपडेट करता है ये अजैक्स, ठीक है। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर इसकी डिफिनेशन कह सकते हैं हम लोग। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके वेब एप्लीकेशन को XML, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट की मदद से अच्छी, तेज और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो इसमें किसकी किसकी मदद से इसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं? XML, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट की मदद से। और इसमें XHTML का यूज़ कंटेंट, CSS का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन, DOM और JS का यूज़ डायनेमिक और इवेंट बेस्ड पर कंट्रोल कंटेंट डिस्प्ले करवाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, XHTML का यूज़ किस लिए होता है? कॉन्टेंट के लिए। CSS का यूज़ प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। और DOM और JS का यूज़ डायनेमिक और इवेंट बेस्ड कंटेंट डिस्प्ले करवाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे। तो यह वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ का एक सेट बनाने के लिए कई वेब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करता है। यह एसिंक्रोनस वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए क्लाइंट सर्वर पर या फिर क्लाइंट साइड पर काम करता है, ठीक है। अजैक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि अजैक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन यह वेब ब्राउजिंग अनुभव को, एक्सपीरियंस को बहुत तेज और बेहतर बनाने के लिए मौजूदा वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक साथ उपयोग करने के लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, ठीक है। अजैक्स वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए एक वेब डेवलपमेंट टेक्निक है। अजैक्स एक वेब द्वारा यूज़ किया जाने वाला ट्रेडिशनल वेब मॉडल होता है। यह किसी दूसरे पेज के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, मतलब यदि किसी दूसरे पेज के लिए रिक्वेस्ट की जाती है तो वापस यही प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अजैक्स और क्या क्या होते हैं, इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अजैक्स के फीचर्स की, अजैक्स के क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। तो पहला है, अजैक्स हमारे वेब पेज को फास्ट बनाता है। अजैक्स सर्वर प्रौद्योगिकी के लिए इंडिपेंडेंट होता है। और तीसरा है, यह वेब पेज की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है। चौथा है, अजैक्स का यूज़ इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस के
डेवलपमेंट के लिए बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। पांचवा है अजैक्स में किसी सबमिट बटन पर क्लिक करने पर पूरी वेबसाइट को रिलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अजैक्स को बिना पूरा वेबसाइट को लोड किए इसके कुछ फीचर्स या कुछ पार्ट को अपडेट या फिर रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद छठवां है अजैक्स में लगभग सभी वेब पेज को फिर से लोड करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और अब चलिए देखते हैं अजैक्स काम कैसे करता है, हाउ अजैक्स वर्क्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट है यूज़र किसी वेब पेज में एक इवेंट शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद आपकी XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और आपका HTTP रिक्वेस्ट को सर्वर पर भेज देता है। सर्वर HTTP रिक्वेस्ट को, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सर्वर HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है और डेटा को ब्राउज़र में भेजता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आपके पेज कंटेंट को अपडेट कर देता है। तो अजैक्स यही चारों काम करता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि अजैक्स टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए देखते हैं अजैक्स को डिस्क्राइब करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि अजैक्स एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ का कलेक्शन होता है, ठीक है। अजैक्स में निम्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, जिसमें से पहली टेक्नोलॉजी है HTML या फिर XML और CSS, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और HTML का फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो देखते हैं HTML एंड CSS, इन टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग कंटेंट और स्टाइल के डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ की जाती है। देखिए HTML से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और CSS से इसको प्रेजेंट करते हैं यानी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, तो अब हम देखेंगे डोम, ठीक है। यह डेटा के साथ डायनेमिक डिस्प्ले और इंट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और तीसरा है XML या फिर JSON, तो सर्वर की ओर डेटा को ले जाने के लिए JSON XML की तरह है, लेकिन XML की तुलना में छोटा और तेज है, ठीक है, JSON। और अब देखेंगे XML HTTP रिक्वेस्ट, तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का सर्वर के साथ एसिंक्रोनस इंट्रैक्शन कराता है, कौन कराता है, XML HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का सर्वर के साथ एसिंक्रोनस इंट्रैक्शन कराता है। और लास्ट में देखेंगे जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट इसका उपयोग टेक्नोलॉजीज़ को एक साथ लाने के लिए किया जाता है या क्लाइंट साइड सत्यापन के लिए उपयोग किया जाता है। और किसी सर्वर पर डेटा को भेजने से पहले एक HTML फॉर्म में यूज़र की इनपुट को वैलिडेट करता है। देखिए हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को डेटाबेस में भेजने से पहले गूगल फॉर्म बनाएंगे या फिर कोई भी वेब पेज पे फॉर्म बनाएंगे जिसमें यूज़र अपनी सारी डिटेल भरेगा और जब सबमिट करेगा तो वो सारा डेटा क्या होगा, हमारे MySQL या फिर SQL सर्वर या फिर हमारे डेटाबेस में लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जावास्क्रिप्ट का वर्क। और अब हम देखेंगे अजैक्स रिक्वेस्ट के प्रकार, ठीक है। तो अजैक्स के काम में रिक्वेस्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिक्वेस्ट के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि पेज एलिमेंट्स सिंक्रोनस रूप में लोड होंगे या एसिंक्रोनस रूप में, ठीक है। जब कोई इवेंट जनरेट होता है तो अधिकांश रिक्वेस्ट भेजे जाते हैं। इसके लिए जावास्क्रिप्ट और XML HTTP प्रोजेक्ट का उपयोग किया जाता है। तो अजैक्स रिक्वेस्ट को दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, पहला है सिंक्रोनस और दूसरा है एसिंक्रोनस। तो बेसिकली अजैक्स रिक्वेस्ट के यही दो प्रकार होते हैं, सिंक्रोनस रिक्वेस्ट और एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो अब हम देखेंगे कि अजैक्स के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, मतलब इसके लाभ कौन कौन से होते हैं।
तो पहला है, इसका यूज़ करके आप अपने वेब एप्लीकेशन को फास्ट और यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। दूसरा है, इसकी मदद से आप डायनेमिक कंटेंट अपने वेब एप्लीकेशन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तीसरा है, बिना ब्राउज़र रिलोड किए आप डेटा को डेटाबेस में क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा है, इसकी मदद से आप लाइव सर्च बॉक्स बना सकते हैं। और पांचवा है, किसी फॉर्म में डायनेमिक ड्रॉप बॉक्स मेन्यू बनाने के लिए आप अजैक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे इसके एडवांटेज। अब चलिए हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेज। तो अजैक्स का पहला डिसएडवांटेज है, यानी हानि है, अजैक्स सभी ब्राउज़र पर काम नहीं करता है, ठीक है। गूगल, बिंग जैसे कई बड़े सर्च इंजन अजैक्स पेजों को सही ढंग से इंडेक्स करने में सक्षम नहीं है। अजैक्स एप्लीकेशन में सुरक्षा की कमी होती है। और चौथा है, कोई भी अजैक्स द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को देख नहीं सकता है, ठीक है, कोई भी इसका सोर्स कोड नहीं देख सकता है। पांचवा है, यह डिज़ाइन और डेवलपमेंट का समय बढ़ा सकता है, ठीक है, मतलब इसमें समय ज़्यादा वेस्ट होगा क्योंकि इसका डिज़ाइन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, डेवलपमेंट मन यानी विकास करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। और आप चलिए देखते हैं हम इसके इवेंट्स। तो देखिए इसके दो इवेंट होते हैं, लोकल इवेंट और ग्लोबल इवेंट। तो देखिए लोकल इवेंट में कौन कौन इवेंट होते हैं, जैसे बिफोर सेंड, सक्सेस, एरर, कंप्लीट, ये सभी परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। और ग्लोबल में क्या होते हैं, अजैक्स स्टार्ट, अजैक्स स्टॉप, अजैक्स सेंड, अजैक्स सक्सेस, अजैक्स एरर, अजैक्स कंप्लीट। तो जिसमें अजैक्स लगा होगा आगे वो सभी ग्लोबल हैं, और जिसमें अजैक्स नहीं लगा होगा आगे वो सभी लोकल हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इसकी डिफिनेशंस भी लिखी हैं, आइए उनको भी पढ़ते हैं। तो लोकल इवेंट पहले पढ़ेंगे। लोकल इवेंट एक विशेष अजैक्स कार्य पर ध्यान केंद्रित करती है और उसी अजैक्स कार्य के संदर्भ में ट्रिगर होती है, मतलब सिर्फ ये अजैक्स का एक कार्य करती है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कार्य। अब चलिए देखते हैं ग्लोबल इवेंट। तो ग्लोबल अजैक्स घटनाएं पूरे एप्लीकेशन के संदर्भ में ट्रिगर होती है। देखिए वो कोई एक पर्टिकुलर काम करता था, ये एप्लीकेशन के अंदर पूरे एप्लीकेशन के संदर्भ में ट्रिगर होती है और सभी अजैक्स कार्यों के लिए लागू होती है, ठीक है। तो ये था अजैक्स ग्लोबल इवेंट्स और लोकल इवेंट्स। और अब हम देखेंगे अजैक्स सिंटैक्स, क्योंकि सिंटैक्स भी पूछा जाता है। और अगर आपसे अजैक्स के बारे में पूछा है, अगर आपने अजैक्स सिंटैक्स भी लिख दिया तो आपको और अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग डिफिनेशन के साथ सिंटैक्स ज़रूर लिखिए अगर आपको अच्छे नंबर्स गेन करने हैं तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अजैक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग डॉलर का साइन लगाते हैं, फिर डॉट अजैक्स लिखते हैं, फिर ये दोनों ब्रैकेट्स लगाते हैं। उसके बाद हम लोग यूआरएल में हम अपने फाइल का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा योर फाइल नेम डॉट पीएचपी, हमारे फाइल का नाम यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद टाइप होता है, टाइप में पोस्ट लिखेंगे। डेटा होता है, डेटा में कंटेनर और उसका वेरिएबल लिखेंगे। डेटा टाइप में हम लोग जेसन लिखेंगे, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद कैश होगा, कैश में क्या होगा, फाल्स होगा कैश, ठीक है। उसके बाद सक्सेस होगा, सक्सेस में हम लोग फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद एरर होगा, उसमें हम लोग फंक्शन एरर लिखेंगे, ठीक है। तो ये था अजैक्स सिंटैक्स। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग देख लीजिएगा एग्ज़ाम में 6 नंबर चैप्टर से 2 क्वेश्चंस 100% कन्फर्म है आएंगे, और वो दोनों क्वेश्चंस इसी नोट्स से आपको मिलेंगे। तो इसकी नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।